नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विक्रणा स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं, ये जो अभी शेयर है अभी मिट्टी के भाव मिल रहा है, 205 वाला शेयर आपको 39 रुपये मिल रहा है, और ये जो कंपनी है डेट फ्री है, प्रॉफिटेबल बिजनेस में है लास्ट 10 ईयर से, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट 10 सालों से स्टॉक का प्राइस 40 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो चाहो तो आप स्टडी पर्पज से स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, राइट। 10 सालों से एक प्राइस में ट्रेड कर रहा है एक बॉक्स में, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो चाहो तो नजरों में रखिए, दिखाता हूं आपको कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप जानना चाहते हो कहां पर बड़ा मौका मिल सकता है, मतलब एंट्री अच्छी कहां बन सकती है, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसके प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं और शेयर पैटर्न कैसा है, सबके बारे में अगर आपको जानना है तो अंत तक बने रहिए। सबसे आप देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर BSE का चार्ट खोला हुआ, स्टॉक का नाम आपको बाद में बताऊंगा। 5 सालों का स्टॉक देखो 20% नेगेटिव रिटर्न दी है, लेकिन जब मैं मैक्स चार्ट करता तो आपको दिखेगा कि देखो 2005 पे भी स्टॉक का भाई वहीं ट्रेड कर रहा था, 2018 में 53 रुपये का ही लगाया, एंड दोबारा स्टॉक अभी आपका 40 रुपये के आसपास घूम रहा है लास्ट 1 ईयर से, ठीक है। लास्ट 1 साल से देखो यहीं घूम रहा है। तो मुझे क्या समझ आता है इसको देख के, मैं अगर सिंपल 1 साल के चार्ट को देख के बाय करने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे इसको देख के जज करना है स्टॉक में क्या करना है। तो मैं ये बोलूंगा आपको कि दिस इज द बाय प्राइस, ये मेरा बाय प्राइस है, इस रेंज में मैं कहीं भी स्टॉक को बाय कर सकता हूँ, एंड दिस इज माई स्टॉप लॉस, मतलब 35 रुपये का नीचे का मेरा SL रहेगा क्लोजिंग बेसिस में, और ये मेरा बाय प्राइस रहेगा, मतलब 38 रुपये 39 रुपये, ठीक है, ये मेरा बाय प्राइस रहेगा। अब अपसाइड टारगेट की बात करता हूँ तो 44 to 45 रहेगा, ये मेरे इमीडिएट टारगेट रहेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लोज करेगा आई विल वेट फॉर द बड़े टारगेट। अब बड़े टारगेट क्या रहेंगे, 5 साल का चार्ट देख लेते हैं, उसमें थोड़ा समझ आएगा आपको। 5 साल के चार्ट में आपको दिखता है कि एक्स का जो अगला रेजिस्टेंस है वो है आपका 56-57 रुपये 60 रुपये के आसपास, जब 60 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, और जब 60 रुपये तोड़ेगा तो भाई स्टॉक में वो तेजी आएगी जो आज तक आपने नहीं देखी, क्योंकि स्टॉक आपका 20 ईयर्स, आई थिंक 20 नहीं ऑलमोस्ट ये आपका बनता है, ये 14 ईयर्स का विकआउट करेगा, ठीक है, मल्टी ईयर विकआउट करेगा 14 ईयर्स का। जैसे देखो ये रेजिस्टेंस है, और ये जैसे तोड़ेगा स्टॉक आपका रॉकेट सीधा, ये स्टॉक आपका ऑल टाइम हाई में, ये जो आपको दिख रहा है 200 रुपये, इसको रिटेस्ट करने जाएगा, और स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो भी 200 रुपये के आसपास ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 200 रुपये के आसपास की स्टॉक की क्या है बुक वैल्यू। अब थोड़ा कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, मार्केट कैप से लेके कंपनी का कामकाज क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो SMIFS कैपिटल मार्केट लिमिटेड स्टॉक का नाम है, ठीक है, और कंपनी देखो सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है, मतलब समझ सकते हो कि कंपनी का काम क्या है, सिक्योरिटीज एंड शेयर्स का काम है, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड पैनी स्टॉक है, 39 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहा है, ROC 1% है, प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की नहीं है, डिविडेंड कंपनी आपको नहीं दे रही है, बुक वैल्यू 207 रुपये के आसपास की है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। नंबर देखते हैं, अगर ईयरली, मैं क्वार्टर नंबर की बात नहीं करूंगा, मैं ईयरली प्रॉफिट दिखाता आपको सीधा। तो ईयरली प्रॉफिट आप लोग देखिए, FY 22 में सेल्स आपकी 67 करोड़ की थी, FY 21 में 71 CR की थी। प्रॉफिट की बात करते तो कंपनी ने आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट इस बार दिया, जो लास्ट ईयर 28 लाख का प्रॉफिट था, उससे पहले 7 लाख का प्रॉफिट था। तो इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो अपने आप को एक ये चीज दर्शाता है कि कंपनी इंप्रूव कर रही है प्रॉफिट के मायने से, तो प्रॉफिट अच्छी है। अब बैलेंस शीट की एक बार बात करते हैं, तो बैलेंस शीट आप लोग देखिए, कंपनी के रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं, रिजर्व देखिए आप कंपनी के 109 करोड़ के, एंड जो डेट है वो 18 से 4 लाख हो चुका है, मतलब डेट कंपनी ने काफी बड़ा रिड्यूस किया है, ठीक है, काफी बड़ा डेट कंपनी ने चुका दिया है। एंड यहाँ पर देखिए कैश 4 करोड़ का कंपनी के पास अभी कैश है। अगर श्योरिटी पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 45% है, FII की होल्डिंग 9% है, एंड पब्लिक की होल्डिंग 44% है। तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी कम हमें देखने को मिलती है। अगर पब्लिक के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ बड़े इंडिविजुअल की भी होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, जैसे रंजन जी है, इनकी होल्डिंग 3% है, जैसे ये भारत पटेल जी है, इनकी होल्डिंग 5% है। तो इनको सबको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, इनको एड ऑन करता हूँ, तो मुझे दिखता है कि स्टॉक में रिटेल का जो पैसा है वो 20 और 25% के बीच में लगा हुआ, बाकी सब बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है,
तो यहाँ तक आपको रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा सो हमसे अपने विचार शेयर कर सकते हो। मुझे तो भैया A1 लगा, ठीक है, मुझे तो A1 लगा, राइट, प्राइस भी A1 लगा और साथ में जो फाइनेंशियल है और श्योरिटी पैटर्न है वो भी मुझे A1 लगा। स्टॉक में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है वॉल्यूम की। स्टॉक में वॉल्यूम थोड़ा कम आता है, मंथली में आप लोग देख सकते हो मात्र 28,000, 10,000 शेयर, 17,000 शेयर, मतलब वॉल्यूम स्टॉक में कम आता है भाई, ठीक है। स्टॉक में एक ही चीज की कमी है वॉल्यूम, बाकी सब कुछ बढ़ गया है, वॉल्यूम कम है बस, ठीक है। तो चारों स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो स्टडी पर्पज से, बता दिया मैंने। 40 रुपये अच्छा प्राइस है, 35 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 45 रुपये का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फिर 56 और 60 रुपये का रेजिस्टेंस, जैसे 56-60 तोड़ता है क्लोज करता है, ये स्टॉक 200 रुपये के टारगेट आपको दिखा सकता है, उसकी बुक वैल्यू है 200 रुपये, नहीं मान के चलो तो 100 रुपये मान के चलो, ठीक है। और साथ में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लास्ट 10 ईयर से डेट फ्री है और साथ में रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, प्रमोटर्स का काफी अच्छा पैसा लगा हुआ है और बड़े इन्वेस्टर का भी पैसा लगा हुआ है FII का, राइट। तो समाप्त कर दो वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक पक्का।